रूस की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन के क्रेमेटोरस्क शहर के लोगों ने भी पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए। कुछ रोज पहले यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने और उनसे जंग लड़ने की अपील की थी, जिसका असर यह हुआ कि रूस की सेना से लोहा लेने के लिए पूर्वी यूक्रेन में मौजूद क्रेमेटोरस्क शहर के लोग पेट्रोल बम बनाने में जुट गए। शहर के एक मकान से जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ लोग शराब की बोतलों में पेट्रोल भरते दिखे, जबकि कुछ लोग पेट्रोल भरी बोतलों के ऊपरी हिस्से में कपड़ा लपेटते नजर आए। एक आदमी तो पेड़ की सूखी टहनियों को छोटे छोटे हिस्सों में काटने में लगा रहा ताकि उनका इस्तेमाल बम बनाने में किया जा सके। इसी तरह एक दूसरा आदमी कांच की खाली बोतलों को वहां इकट्ठा करता दिखा। इस दौरान वहां कई महिलाएं बम बनाने के लिए कपड़े फाड़ने और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के काम में जुटी दिखी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां पेट्रोल बम बनाने की कोई फैक्ट्री चल रही हो। उधर रूसी सेना के कब्जे में आई इमारतों पर यूक्रेन के नागरिक टूट पड़े। उन लोगों ने वहां एक बार फिर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया और तालियां बजाकर अपनी सेना का समर्थन करते नजर आए। दरअसल जिस बिल्डिंग पर यूक्रेन का झंडा फहराने ये लोग पहुंचे उस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद लोग वहां यूक्रेन के समर्थन में तख्तियां और झंडे लेकर पहुंच गए।